गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में, लिवोफ्लॉक्सासिन। ये एंटीबायोटिक है। इस टैबलेट के बारे में, या ये दवाई इंजेक्शन के रूप में भी आती है, सिरप के रूप में भी आती है, तो इसके यूज को, डोज को, साइड इफेक्ट को, प्राइस को लेते समय क्या सावधानी रखना, ये लिवोफ्लॉक्सासिन कैसे काम करती है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लिवोफ्लॉक्सासिन की बात करें तो ये एंटीबायोटिक है, मतलब कि बैक्टीरिया को मारने में काम आएगी। शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उसको हटाने में काम आएगी। मतलब कि ये ना तो फंगल इन्फेक्शन में काम आती है, ना तो वायरल इन्फेक्शन में काम आती है, ना किसी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में काम आती है। और ये एंटीबायोटिक हर तरह के बैक्टीरिया में भी काम नहीं आएगी। बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, पहचानते हैं। तो उसमें कुछ स्पेशल बैक्टीरिया हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें उसमें इफेक्टिव होती है, कुछ असर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी होता है। अगर ये दवा की बात करें कि लिवोफ्लॉक्सासिन लिखी गई है तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिनमें दी जाती है, तो एक तो है निमोनिया। अगर किसी के फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाए वो भी कम्युनिटी एक्वायर्ड, मतलब हॉस्पिटल में निमोनिया नहीं होना चाहिए, बाहर कम्युनिटी में होना चाहिए तब। और जो ये रास्ता होता है हमारा सांस का रास्ता, जैसे कि साइनोसाइटिस है, साइनस के अंदर इन्फेक्शन है, राइनाइटिस है, नाक के अंदर इन्फेक्शन है, जो ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकस के अंदर इन्फेक्शन है, तो ये तो हो गया निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन सब में देना रहता है। इसके अलावा यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे कि पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो जाए, यूरेटर में हो जाए, किडनी में हो जाए, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाए, प्रोस्टेट में हो जाए, ये जो सेक्स ऑर्गन की इन्फेक्शन होती है उसमें भी दी जाती है, चाहे महिलाओं की बात करें या पुरुषों की। तो जैसे पीआईडी होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, कुछ स्किन के इन्फेक्शन में भी दी जा सकती है, सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में दी जा सकती है, जॉइंट के इन्फेक्शन में दी जा सकती है लिवोफ्लॉक्सासिन। और लिवोफ्लॉक्सासिन का दो और इम्पोर्टेंट यूज है, एक तो प्लेग नाम की बीमारी है उसमें दी जा सकती है, और एंथ्रेक्स। तो इतने तरह के इसके यूज हो सकते हैं। बट ये जो दवाई है ये ऐसा आप समझें कि ऐसी एंटीबायोटिक है, इसके साइड इफेक्ट बाकी क्लास के एंटीबायोटिक की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए बड़ी सावधानी से यूज करी जाती। अब जो ये फ्लोरोक्विनोलांस ग्रुप की दवाइयां हैं ये बहुत ज्यादा चलन में नहीं है, बड़ा मतलब सावधानी पूर्वक इनका यूज करा जाता है। मतलब अगर ये लिवोफ्लॉक्सासिन की बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, मतलब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काम करेगी, और कुछ एटिपिकल पैथोजेंस हो गए जैसे कि प्लेग हो गया। तो ये थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलांस है जो कि बैक्टीरिया को मारती है। कैसे मारती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया में डीएनए गायरेज है और एंटोपोआइसोमेरेज 4 इसको इनहिबिट करती है, इससे बैक्टीरिया मर जाता है। बेसिकली बैक्टीरियोसाइडल इसका इफेक्ट होता है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो साइड इफेक्ट इसके हैं, इसलिए ऐसे ही मन से इम्पेरिकली नहीं लेना है। जब स्ट्रांग क्लिनिकल सस्पेशन हो कोई बीमारी के बारे में, जैसे कि कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो या गोनोरिया वगैरह, तब इसका यूज नहीं। तो दूसरी भी अच्छी एंटीबायोटिक है जिनका साइड इफेक्ट कम होता है। अब इसके सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें तो बहुत तरह के हैं, जैसे कि दिमाग के अंदर है, मांसपेशियों में है, जॉइंट्स में है, लीवर में है, इसलिए दवा बड़ी सावधानी से यूज करी जाती है। लिवोफ्लॉक्सासिन की बात करें कि किस प्रिपरेशन में आती है, तो इंजेक्शन भी आता है, खाने की टैबलेट भी आती है, सिरप सस्पेंशन भी आता है, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं उनमें मोस्टली नहीं दी जाती। उसके पीछे की वजह ये है, कार्टिलेज डैमेज करती है, जॉइंट्स में, मांसपेशियों में समस्या हो सकती है, इसलिए 18 साल से कम के बच्चों में ये लिवोफ्लॉक्सासिन नहीं लिखी जाती है। कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं, जैसे कि किसी को एंथ्रेक्स का या प्लेग का इन्फेक्शन है, या तो कोई यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बाकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तब ये लिखी जाती है, नहीं तो छोटे बच्चों में नॉर्मली ये दवा नहीं लिखी जाती। अब बात करते हैं लिवोफ्लॉक्सासिन के डोज के बारे में। अगर लिवोफ्लॉक्सासिन के डोज की बात करें तो ये 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम के रूप में आती है। 500 मिलीग्राम एडल्ट में अगर बात करें तो ये 500 मिलीग्राम एक दिन का डोज रहता है, 500 मिलीग्राम ओडी या 250 मिलीग्राम बीडी, ऐसा डिपेंड करता है कि किस इन्फेक्शन में दिया जा सकता है, 7 से 10 दिन, 12-15 दिन ऐसे दिया जा सकता है। अब ये लिवोफ्लॉक्सासिन मार्केट में किन नामों से आती है, अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो लिवोफ्लॉक्स 500 बड़ा कॉमन है, और फाइनल 500, ये दो दवाइयां बहुत कॉमन है जो इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारी और कंपनियां बनाती हैं, एलसिन है, लिवोमैक है, लिवोबैक्ट है, तो ये सारे इन नामों से आपको मार्केट में लिवोफ्लॉक्सासिन मिल जाएगी एंटीबायोटिक।
अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट, ये दवा लेते समय क्या नुकसान हो सकता है। अब ये साइड इफेक्ट सारे मरीजों में नहीं आते, कुछ मरीजों में आ सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना। ये टेंडन एक ऐसी चीज है जो कि मांसपेशियों को बोन से जोड़ती है, तो वो इन्फ्लेमेशन होने से रप्चर भी हो सकता है, इसलिए ज्वाइंट के एरिया में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना। जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं, दवाइयों पर रहते हैं, उनमें शुगर के लेवल को कम कर सकती है, इसलिए उनकी मॉनिटरिंग करना रहेगा। इससे एलर्जिक रिएक्शन होती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, फोटोटॉक्सिसिटी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ये लिवोफ्लॉक्सासिन का कि ये दवा अगर चलती है तो कुछ लोगों को धूप में जाने से उनकी स्किन जल सकती है, इसलिए धूप में ना जाने की सलाह दी जाती है। 1-2% मरीजों में ये लीवर डैमेज कराती है, GOT-PT का लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसे लोग जिनको लीवर पहले से ही डैमेज हो उसको ये दवा नहीं दी जाएगी। और दिमाग के अंदर इसका बुरा असर आता है, जैसे कि घबराहट होना, डिप्रेशन होना, कंफ्यूजन होना, झटके आ जाना, नींद नहीं लगना, सुसाइडल थाट्स आना, डिप्रेशन में चले जाना, तो इस तरह की और भी समस्याएं कराती हैं। और ये न्यूरोपैथी कराती है, नर्व डैमेज कराती है, पेट के अंदर डिस्टर्बेंस करती है, जैसे कि दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और बहुत लंबे समय तक चले तो डायरिया कराती है, क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया। ये एक बीमारी है जो लंबे समय तक अगर दी जाए, लिवोफ्लॉक्सासिन दी जाए, तो ये समस्या हो सकती है। और कुछ मरीजों में हार्ट के अंदर ये चेंज करती है रिदम में, ECG में QT इंटरवल बढ़ गया है ऐसा हम लोग बोलते हैं, उससे हार्ट रेट स्लो हो सकती है, उनका जो हार्ट है वो थोड़ा स्लो काम करेगा, उससे समस्या हो सकती है। अब लिवोफ्लॉक्सासिन को कैसे लेना है या लेते समय क्या सावधानी रखना है, इसके बारे में बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट सावधानी ये है कि जब ऐसे लोग जिनको एंटासिड चल रही हो, कैल्शियम या आयरन की दवाई चल रही है, तो उन दवाइयों में और इसमें 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। मतलब आपने अगर ये दवा खाई है तो एंटासिड, कैल्शियम सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, ये 2 घंटे पहले या बाद ही लेना है। इसके अलावा जैसे कि बात हुई कि डायरेक्ट आपको सनलाइट में नहीं जाना है, फोटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ये दवा किडनी से निकलती है, इसलिए पानी पीने की सलाह दी जाती है कि 2 से 3 लीटर पानी रोज का पिए ये दवा जब चले तो। और किन लोगों में ये लिवोफ्लॉक्सासिन नहीं चलती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान, छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम हैं, जिनके कार्टिलेज बन रही है उनमें डैमेज हो सकता है, ऐसे लोग जिनको एलर्जिक रिएक्शन है, ऐसे लोग जिनको मायस्थेनिया ग्रेविस है, अगेन ये ज्वाइंट्स की समस्या है, उन लोगों में नहीं दी जाएगी। ऐसे लोग जिनका लीवर खराब है या ऐसे लोग जिनकी किडनी खराब है, उनमें यह दवा नहीं दी जाती है। और ये लिवोफ्लॉक्सासिन की प्राइस की बात करें, कितने में बाजार में मिलेगी, तो ये 10 रुपये की एक टेबलेट मिल जाएगी, 500 मिलीग्राम वाली, जो कि दिन में एक खानी रहती है। तो लिवोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो कि शरीर में इन्फेक्शन हो जाए तब दी जाती है। अब ये एंटीबायोटिक को बड़ी सावधानी से इसलिए चुनना है क्योंकि इसमें कई तरह के साइड इफेक्ट आते हैं, कुछ सीरियस साइड इफेक्ट आते हैं, कुछ सावधानी रखने की जरूरत होती है। डॉक्टरी सलाह पे ही हमें लेना है। एंटीबायोटिक जब भी चलती है तो उसका ड्यूरेशन फिक्स होता है, अपने मन से ना तो स्टार्ट कर सकते हैं ना अपने मन से बंद कर सकते हैं। तो ये है लिवोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक जो कि कुछ स्पेशल तरह के बैक्टीरिया में काम आती है। तो ये इसके बारे में जानकारी होगी, अगर आपको या किसी को लिखी गई होगी, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे सिरप हो, चाहे टेबलेट हो, तो इसके बारे में आप कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ जाएंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ मैं। थैंक यू।